हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल फॉक टेक में। और दोस्तों, आज की वीडियो किसी एड पे नहीं होने वाली, आज की वीडियो होने वाली है मीम्स पे। आज हम चैलेंज लेंगे कि हम हंसेंगे नहीं और ऐसे ऐसे मीम्स देखेंगे जिनको देखकर हमारी हंसी छूट जाएगी। बस यही एक चैलेंज है जो आज हमको लेना है, जिसमें हम पास हो सकते हैं। तो देखते रहिए वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो स्किप मत करना लास्ट वाले मीम तक। राक, राक तेरी माँ की, राक। इस लड़की ने एवरीबडे इतनी बार बोला है कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि सही प्रोनाउंसिएशन एवरीबडी का क्या है। जिसको भी समझ में आया वो कमेंट सेक्शन में बताना, एवरीबडे या एवरीबडी। मैं खुद, मेरी प्रोनाउंसिएशन खुद खराब हो चुका है यहाँ इसको देख के। दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना। सच में, नो साउंड इफेक्ट, नो म्यूजिक, ओनली वॉइस। क्या बात है, इतनी मधुर आवाज सुबह कोयल भी नहीं देती जितनी मधुर आवाज इन मैडम की है। हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, धंधा है ही उस हिसाब से 100% तुम मुंबई आओगे का पुराना। अरे धंधा है ही उसका पुराना, हाय राम कुड़ियों को डाले दाना, हाय राम। इतनी मधुर आवाज सुन के मेरे कानों में से खून क्यों आ रहा है। मेरे उम्र के नौजवानों, ये ब्लॉगर ऑफ द ईयर, इसको अवार्ड मिलना चाहिए ब्लॉगर ऑफ द ईयर का। भाई कुत्ते को क्यों छेड़ रहा है, सीधा साधा वो लेटा है, एनिमल्स को क्यों छेड़ना है। बेचारा अच्छा खासा लेटा है, ब्लॉगिंग कर रहा है, उसकी आवाज़ सुन के कुत्ते भी भौंकने लगे। कहते हैं ना मशहूर कहावत कि कोई बंदा गाता है और उसको देख के अगर कुत्ते भी गाने लग जाएं तो उसकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है। वो चीज़ हमें सामने देखने को मिली है। तुमने मोहब्बत करनी है, हमने मोहब्बत। ये कौन सा बेशरम रंग सुन रहा हूँ मैं। इस दिल के अलावा किसी की भी ना हमने इज्जत ली है। इतना कॉन्फिडेंस लोग लाते कहाँ से जितना ये मैडम। वाह यार, लिपस्टिक लगाई, एयरबड्स लगाए और पता नहीं कौन सा माइक पकड़ा हुआ है, गजब। अब समझ में आया इस गाने को बायकॉट क्यों किया जा रहा था। किसी किसी को आता है जान लुटा के दुश्मन की, हम नहीं पा सकती। ये क्या क्या कमेंट गया है। हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू अपलोड दिस मास्टरपीस while your net is off. आप मुंबई आ सकते हैं, मुंबई कहीं और चली जाएगी। दीदी जी आप बहुत अच्छा गाते हो, नेट ऑफ करके अपलोड कर दिया करो। हमारे यार ऐसा है आधा बनलू हवा, मुझ पे खुद ऐसे दुआ बरसाए जुमे जो पाठा। नाइस टैलेंट, कीप इट हिडन। मेरी जान तो दिल उड़ाए दो 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 जान, मेरी जान अभी तक ये मेरा ट्रोमा खत्म नहीं हुआ था। उसके बाद एक और ये मास्टरपीस आ चुके हैं, एक्सप्रेशन क्वीन। भाई इसको बंद करो, मेरे को रात को नींद में यही देखेंगे। करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हम बंदर से इंसान क्यों बने, क्यों बने भाई। बंदर ही रहते वो अच्छा था। ओ वंस अगेन, आप दिलदार होते तो दिल दे देती, आशिक होते तो नजरों से वार करती, पागल होते तो बेपनाह चाहती। क्या दर्द है तेरी आवाज में। लेकिन आप तो हवस के पुजारी हो, इसलिए आपसे मैं बात नहीं करती।
नो कमेंट्स। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना, अब इतना सब कुछ देख के मेरे को अब मोटिवेट होना है ताकि मैं दोबारा काम पे जा सकूं और अपना काम कर सकूं, क्योंकि यहाँ तो इन लोगों ने, ऐसे सिंगर हैं, इन्होंने मेरे म्यूजिक के थ्रू मेरी जो हालत करी है उसका क्या बोलूं मैं। अब मैं कुछ मोटिवेशन ढूंढ लेते हैं ताकि काम पे दोबारा जा सके ना मेरे भाई, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। भाई मैं कॉलेज भी पास आउट हो चुका हूँ, पढ़ाई भी कर चुका हूँ, मैं काम करता हूँ। अगर हम दिन भर इंस्टाग्राम चला लेंगे मेरे भाई। भाई इंस्टाग्राम नहीं, मैं यूट्यूब चलाता हूँ। तो इंस्टाग्राम की आईडी तो होनी है हमारे, फेल तो क्या क्या होनी है, एक सेकंड दोबारा सुनते हैं, बंदा कुछ कहना चाह रहा है। तो इंस्टाग्राम की आईडी तो होनी है हमारे, फेल तो होना ही है, इसीलिए तो हमें पढ़ाई करनी, फेल तो होनी पड़ेगा ना मेरे भाई, जिंदगी में ही काम। लेकिन हाँ, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं या कॉलेज वगैरह में, उनके लिए मोटिवेशन बहुत तगड़ी दे रहा है बंदा। यहाँ काफी मेरे भाई, अगर हमारी जिंदगी बोट हो जाएगी मेरे भाई तो आपको साल लड़की में ही करना पड़ेगा मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, इसलिए मैं भाई बोल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर वीडियो में और मजे चाहिए तो आगे तो देखना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। हाँ मेरे भाई। भाई साहब, मेरी मोदी जी से और सारे देशवासियों से रिक्वेस्ट है, मेरी जान बचा लो, मेरी जान को बहुत खतरा है भाई साहब। मेरी पत्नी ने आज करवा चौथ का व्रत रखा था मेरी लंबी उम्र के लिए, मैंने दोपहर समोसे खाते पकड़ ली, अब सबूत मिटाने के लिए मेरे पीछे छुरा लेके भाग रही, मुझे बचा लो। भाई एडिटर साहब, फैमिली शो है, बच्चे देखते हैं, क्या कर रहे हो, कैसी कैसी क्लिप लगा रहे हो। अरे ये मास्टरपीस ऐड है, ये मैंने देखा है। रंजी डुबू मार रहा, इसने चार बूंदों वाला उजाला कपड़ों की जगह अपने चेहरे पे लगा लिया है। हाँ नाना, अम्मा ఎంత తెల్లబడిపోయావు అమ్మా, చూసారా రెండు చుక్కల కళ్యాణీలి చేసుకున్న నలుపుని తెలుపు కళ్యాణీలి కళ్యాణ నాసం మెహనత్ కా కరో కి నా నాసే హీ మెహనత్ కర్ రహా హై ఔర్ కౌన్ మెహనత్ కర్తా హై నాసం మెహనత్ కా కరో తాకి ఆప్కో బిమారీ భీ సక్సెస్ వాలీ లగే। क्या मोटिवेशन थी। अरे रुको रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना। आप किसी को चाहते हो और वो आपको ना चाहता हो तो एक काम करना, उसकी आत्मा की बोझ को हमेशा के लिए हल्का कर देना, उसकी मन को चैन और सुकून देते रहना, उसे भी आपसे मोहब्बत हो जाएगी। अब वीडियो स्किप कर सकते हो। ये इनडायरेक्ट में मर्डर करने की बोल रही है ना, नाइस आइडिया। माय गॉड, तुम्हारी नसों में तो खून बह रहा है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शंस पसंद आए होंगे। इसमें जो भी आपका फेवरेट मीम है, स्पेशली जो मोटिवेशन वाला था, आई थिंक वो आपका फेवरेट होगा, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी तरीके की वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब वीडियो स्किप कर सकते हो।